श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट टीम के लिए रोहित शर्मा को टीम का नया कैप्टन बनाया गया है, जबकि टीम से सीनियर प्लेयर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप कर दिया गया है। चार सीनियर खिलाड़ियों की हुई छुट्टी। पुजारा और रहाणे ने साउथ अफ्रीका दौरे पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। अफ्रीका दौरे को छोड़ भी दिया जाए तो 2020 के बाद से दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, लिहाजा आगामी श्रीलंका सीरीज के लिए दोनों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को भी टेस्ट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ईशांत पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म और फिटनेस की समस्या से परेशान थे, जबकि साहा की जगह युवा केएस भरत को टीम का हिस्सा बनाया गया है। चीफ सेलेक्टर ने दी घरेलू क्रिकेट में खेलने की सलाह। टीम का ऐलान करते हुए चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा, भारत आधिकारिक तौर पर ट्रांजिशन फेज में प्रवेश कर चुका है। टेस्ट टीम में रहाणे, पुजारा, ईशांत और साहा नहीं है। अब विहारी, गिल और श्रेयस को बैक करने का समय आ चुका है। उन्होंने आगे कहा, हमने पुजारा, रहाणे, साहा और ईशांत से रणजी ट्रॉफी खेलने का अनुरोध किया है। हमने रहाणे पुजारा से कहा है कि दो टेस्ट मैचों के लिए उन पर विचार नहीं करेंगे। हम किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। रन बनाए, विकेट ले और देश के लिए खेले। मुझे उम्मीद है कि वो जबरदस्त वापसी करेंगे। दोनों को रनों की तलाश। पुजारा और रहाणे दोनों बल्लेबाज लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जनवरी 2021 से पुजारा ने 16 टेस्ट मैचों में महज 27.11 की औसत से केवल 810 रन बनाए हैं, शतक एक भी नहीं। वहीं रहाणे ने और भी खराब औसत 19.95 से बल्लेबाजी की है और 547 रन बनाए हैं। उनके नाम पर एक शतक दर्ज है। अफ्रीका दौरे पर पुजारा ने 6 पारियों में 124 और रहाणे ने सिर्फ 136 रन बनाए थे। रहाणे से तो टीम की उपकप्तानी भी ले ली गई है। साहा, ईशांत पहले से थे प्लेइंग शी से बाहर। वहीं ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा से पहले प्लेइंग शी से बाहर चल रहे थे। साउथ अफ्रीका दौरे पर दोनों खिलाड़ियों को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। साहा की जगह ऋषभ पंत टीम में कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। साहा की जगह युवा केएस भरत को टीम का हिस्सा बनाया गया है। भरत लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बैटिंग ऑर्डर में भी किसी भी स्थान पर खेल सकते हैं। ईशांत की बात करें तो उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। पिछले साल अनुभवी तेज गेंदबाज ने 8 टेस्ट मैचों में 32.71 की औसत के साथ कुल 14 विकेट लिए थे। टीम इंडिया में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी के आने के बाद ईशांत फिट भी नहीं बैठ रहे थे।